हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका रैट्स की दुनिया में। ओम साई राम, जय गुरु जी। कैसे हैं रैट्स की फैमिली, यूट्यूब फैमिली? तो आज कहेंगे ये प्राणी अपनी जगह पे क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि आज ये प्राणी संडे मोड में है। जी हाँ, संडे व्लॉगिंग हो रही है, पर व्लॉग जाएगा मंडे को। तो आज का पूरी दिनचर्या मैं आपको बनाए रखेंगे। दिन की शुरुआत जल्दी हो गई थी, बट इतना हौच-पौच था आज संडे कि घर में मैं व्लॉग शुरू ही नहीं कर पाई। तो एंड अब मैं इंस्टा और यूट्यूब दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आई डोंट वांट कि एक चीज़ रह जाए और एक शुरू हो जाए और एक छूट जाए फिर दूसरी। सो दैट्स अ थिंग। तो मैं मॉर्निंग में इंस्टा को बैलेंस किया और अब पूरा दिन यूट्यूब बैलेंस करेंगे। और कुछ काम है गाइस, बस। हाँ जी, यही है। नहीं, वही था ना बेबी। तो हमें बस अब निकल पड़े, आज बहुत सारी चीजें करनी है। डू यू वांट मी टू गो? मैं जाऊं? मिलती हूँ। तो जी हाँ, कुछ एक आधी चीज घर की ठीक होने देनी थी। सेंटा मार्केट में बहुत अच्छी शॉप है, तो हम वहीं पर देते हैं। रीजनेबल एंड ही मेक श्योर कि बहुत रेयरली वो ना कहते कि चीज ठीक नहीं होगी। तो बस वो दिया। शादी इज अबाउट टीम वर्क। यस मनीष जी, क्या कहना है आपका? यस, हेलो टू माय जनता, गॉड ग्रेस। तो हम मेल बांट कर संडे को सब काम निपटा देते हैं। वीकडेज पे भी जितना मेरे लेवल से होता है मैं कर लेती हूँ, बट संडे फंडे भी हो जाता है और जो छुटपुट काम होते हैं वो भी निपट जाते हैं। तो दो संडे से हमारा संडे और सैटरडे शॉपिंग डे हो रहा है। तो अगेन एज आई टोल्ड यू, मार्च में कुछ तो होने वाला है। तो कमेंट में बताइए अगर आप कुछ गेस कर पा रहे हैं। तो हम उसी की शॉपिंगों में लगे, तो लुकिंग फॉरवर्ड। तो बताइएगा रैट्स का लुक कैसा लग रहा है। पिक्चर डाल दूंगी, आज आउटफिट चेक नहीं दे पाई क्योंकि मैंने बताया ना घर में इतना हचपच था। एंड बस खाया क्या हमने आज, मनीष जी का फेवरेट क्या खाया? क्या खाया? पराठे। ही इज बिजी इन ड्राइविंग, आई शुड नॉट डिस्ट्रैक्ट हिम। ड्राइव सेफली होना चाहिए। तो मनीष जी ने खाए आज गोभी के पराठे। यूजुअली संडे में इनको अभी जाती जाती सर्दियाँ खा लें यार, शक्लें तो आज वो पराठे मेरी शक्ल पे अच्छे अच्छे से उभर के आ रहे हैं। तो गोभी के पराठे खाए हमने, मज़ा मज़ा। एंड गर्मी की सब्जियों का वेलकम किया। आज मैं भिंडी लेके आई, कल सैटरडे था, कल मैं भिंडी लेके आई, करेले लेके आई। तो आज उनको सब धो धा कर नमक वमक लगा कर करेले को भिंडी को धोकर रख के आई हूँ, रियली यू नो। तो चलिए अब हम निकल रहे हैं। आज सवारी कहाँ जा रही है मनीष जी? रोडों पे तो गाड़ी चलेगी। और ये सफेदी आज मैंने नहीं छुपाई है, मेरा मन नहीं किया कुछ भी करने का क्योंकि बस और नेक्स्ट वीक तक आई एम गोइंग फॉर माय ग्रूमिंग सेशन। तो ठीक है, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा कभी कभी चलता है, इट्स ओके। एक्चुअली मैंने किया नहीं, मैं भूल गई, तो टचअप किया ही नहीं है। एनीवे, तो मनीष जी का मन नहीं है कि बताने का हम कहाँ जा रहे हैं। गर्मी अच्छी खासी, मार्केट है, रोडों पे मार्केट है। भी ना बहुत सेलेक्टिव बोलते हैं क्योंकि सारा बोलने का जिम्मा बीवी ने लिया हुआ, तो ये बहुत सेलेक्टिव, ये कहते अपने वर्ड्स खर्च नहीं करो, ठीक है, ये अपने वर्ड्स ज्यादा खर्च नहीं करते, मैं अपने वर्ड्स बहुत खर्च करती हूँ। मुद्दे पे अब आए, हम जा रहे हैं रजौरी मार्केट। क्या लेंगे, मेरा मन है अभी दिखाऊं या जब पहनूं तब दिखाऊं। इसका काम ही होता है खर्च करना, तो कर ही नहीं है। खुद की जैसे शॉपिंग हुई नहीं है लास्ट वीक का, तो वो मैं डिसाइड करूंगी कि आपको फाइनल डे को ही दिखाऊं या अभी दिखाऊं, दैट आई विल डिसाइड, लेट्स सी। तो चलिए अब हम निकल चुके हैं छुटपुट, जो घर के जो लाजपत नगर के आजू बाजू के काम थे मैंने कर लिए हैं। नाउ विल स्ट्रेट अवे जाएंगे रजौरी और हमें कौन मिलने वाला है वहाँ पे वो भी बताऊंगी, बने रहिए। तो आज हमें कवर करनी है दो मार्केट, फर्स्ट इज रजौरी एंड देन सेकेंड इज करोलबाग। एंड कल भी मुझे करोलबाग आना है, तो ये दो दिन संडे मंडे ऑक्यूपाई रहते हैं। कार पार्क करी है हमने और बस अब हम निकल रहे हैं। तो मनीष जी साइड हो, क्योंकि मंडे कभी की छुट्टी रहती है तो उसके साथ कुछ काम निपटा लेती हूँ संडे का मनीष जी के साथ। एंड ऐसा नहीं है आई एम डिपेंडिंग ऑन देम, इन लोगों की शॉपिंग रहती है, सो आई हैव टू इनका साथ होना जरूरी है।
ये स्क्रीन पता नहीं मुझे क्यों अच्छी लग रही है, आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो राजौरी का मुद्दा है लवली फुटवेयर्स। अगर आप मुझे पूछें, इंडिया में मैं अभी तक यूजुअली जब तक दुबई का स्टॉक था चल रहा था, चले क्रॉस करें उधर से, उसको बता दो ना, यू कैन गाइड हिम। तो जब इनफैक्ट अभी भी दुबई का स्टॉक है, बट अगर आप मुझे लेने होते हैं फुटवेयर तो आई कम टू राजौरी। लाडू की शादी पे भी मैंने शॉपिंग की थी राजौरी से अपने फुटवेयर की। तो फुटवेयर के लिए यू कैन चूज़ राजौरी, बजट भी है, एक्सपेंसिव भी है, क्वालिटी भी है, सो यू विल गेट सब पैकेज मिल जाते हैं। चलिए फुटवेयर तो मुझे लेना ही लेना, हमारी कार पार्क हो गई है, किसी को मिलना भी है तो सबके लिए बनाए रखते हैं। मेरे से ज़्यादा मनीष को आजकल गोलगप्पों की क्रेविंग हो गई है, तो देख लिए मार्केट में एंटर हुए हैं, इनको इसी के पसंद है, ये ऑलवेज ही, बट हम जाते हुए खाते हैं। आज घर से निकला और बोला गोलगप्पे खाने, गोलगप्पे खाने, तो मैं तो एक ही खाने वाली हूँ क्योंकि मैंने गोभी के पराठे खाए हुए हैं। लुकिंग फॉरवर्ड हाँ, हेलो तो बाद में बोलेगी, तो इससे पहले मैं आज लुक मेरा कंधा झूठे। बहुत ज्यादा रश है, आप देख सकते हैं चार बंदा सिर्फ सारी सर नजर आए हमारे व्लॉग में। हेलो ईशु, हेलो लाडो, तो और आज ईशु और पापा मैच हो रहे हैं दोनों ने मैचिंग किया, हम किसी से मिलाने वाले हैं। लाडो लाडो में मम्मा के संग मैच हो रही है और ईशु पापा के संग मैच हो रहा है, तो व्लॉग चल रहा है, बहुत रश है। अतुल वाले पे तो सिर्फ ही सर ही सर मैंने आपको दिखाया, तो माय गॉड। एनीवेज हम किसी और का वेट भी कर रहे हैं, पर अभी हम उन्हें व्लॉग में नहीं ले पाएंगे, उसके लिए अभी समय है, समय आने पर वो जरूर आएंगे हमारे व्लॉग में, बट आज हम उन्हें कवर नहीं करेंगे। राइट वंशिका गावा अरोड़ा, सॉरी, चलिए बने रहिए। कैसे बैठे हुए हैं ये शॉप का ये त्रिभूति है एक्चुअली मैं रियली मैं ये कैप्चर करना चाहती थी, और देखो आउटफिट पहने नहीं है ये यहाँ के मैनी क्वीन है। हाँ मनीष जी डन है, ही इज टायर्ड, आई नो ना भूख लग रही होगी, तो शॉपिंग इज गोइंग ऑन, किसी और के लिए बताएंगे जब सही समय आए। तो जी हाँ, ये प्राणी पहुंच चुका है घर, और शाम तक इतना रश हो गया था राजौरी में गाइस कि व्लॉग करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था, और हम थोड़ा सा बिजी हो गए थे शॉपिंग में एज वेल एंड करोल बाग हम जा नहीं पाए। कल कबीर के संग मैं करोल बाग जाने वाली हूँ, तो आपको बनाए रखूँगी। मेन बात थी कि आज हमें कहीं चाय नसीब नहीं हुई, तो 9 बज रहे हैं घर पहुंचे हैं, ओप्स, और मेरी चाय हो रही है। करोलबाग कह रही हूँ, राजौरी में आज हमने इवनिंग स्नैक्स खाए पंजाब ग्रिल, एंड द बेस्ट पार्ट ना बेस्ट पार्ट बकवास पार्ट ये ना हमारा चाय है ना कॉफ़ी है पंजाब ग्रिल में। आई डोंट नो, मैंने आज उनके ऑनर को भी पूछा कि आपकी कोई परेशानी है चाय कॉफ़ी से, क्योंकि इंसान पूरी मार्केट घूमे तो देन उसको बैठ कर एक चाय कॉफ़ी तो लाजिम है। ही स्टार्टेड लाफिंग। यूजली क्या होता है कि आप जब शॉपिंग भी करते हो तो एटलीस्ट शॉपकीपर दे ऑफर यू टी और कॉफ़ी, बट आज हर शॉप पे इतना रश था एंड हमें चीज़ें इतनी जल्दी जल्दी पसंद आ रही थी कि हम बहुत ज़्यादा देर बैठना भी नहीं हुआ। डेफिनेटली वी हैड वाटर बट नो टी एंड नो कॉफ़ी। अपनी नज़र खुद लगती है, एक जोड़ा चप्पल लेकर नहीं आए, जो इतनी तारीफें कर रही थी ना, राजौरी जाओ चप्पलें बेस्ट मिलेंगी सब, एंड मनीष जी कहाँ से आ गया छोटू सा मच्छर। तो आज अपने लिए एक फुटवेयर नहीं लेकर आई हूँ, लेने फुटवेयर ही गई थी, एंड लाडो मैडम इतना ब्यूटीफुल चप्पल लेकर आई है गाइस, आई एम श्योर कि जब वो पहनेगी तो आई डोंट नो, बट बहुत सुंदर चप्पल आई है विद बहुत सुंदर मनी, इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव
ठीक है बच्चों का। तो मैंने उसको बोला मुझे भी बोरो करने दोगे ना आप? कहती नो। मैंने कहा प्लीज़ ना, क्योंकि लाडो और मेरा पैर का साइज एक ही है, हम दोनों एक दूसरे की चप्पलें पहन लेते हैं। दिस इज समथिंग मेडिटेशन, मेडिटेशन जन्नत। चाय, क्योंकि आज शाम की चाय पीने नहीं हुआ। तो हाँ गाइस, थोड़ा सा 2-3 वीक से हम शॉपिंग में हैं। शॉपिंग की क्या करके आई मैं, अपने लिए कुछ नहीं लेकर आई। मनीष जी ने अपने लिए कुछ कपड़े लिए एंड वंशिका टुक फुटवेयर अपने लिए, और जिनके साथ हम गए थे हमने उनके लिए शॉपिंग करी। और मनीष जी, मैंने कुछ लिया आज अपने लिए, लिटरली मैंने अपने लिए, मनीष जी को मैं दिखा नहीं सकती, वैसे बनियानों में बैठे हुए मनीष जी, आपने मुझे कुछ ले, एक मनीष ने मुझे ऊद लेकर दिया मीना बाजार से, बस है ना, मांगा जो मांगा मैंने मना तो नहीं किया ना। मांगा। तो मैंने मीना बाजार से एक ऊद लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। गाइज मीना बाजार जाइए, रियली गुड स्टफ, एंड सेल में तो और भी अच्छा स्टफ है। तो हमने थोड़ी सी शॉपिंग की वहाँ से, जो मैं अभी आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकती। तो अगर, और ज्वेलरी पे बहुत अच्छा डिस्काउंट लगा हुआ है मीना बाज़ार में। तो ऐसा नहीं कि रजौरी, जो भी मीना बाज़ार आपके लिए अब आया सेल है तो आप जाइए। कब तक है मनीष लास्ट से? व्हेन ही वाज सेल, बिल आपको मिलेगा 23 तारीख, हाँ 29 तारीख के बाद 29 तारीख तक सेल है, क्योंकि आज वो बिल भी जनरेट नहीं कर रहे, उनको इतना रश है। तो वो कहते सारे बिल्स आप अपने मेल से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मीन्स गुड स्टफ, आई मस्ट से। तो अगर आप, अगर आपको कोई फंक्शन आने भी वाला है या आप कुछ देख रहे हैं कैजुअल्स भी, तो अच्छा 50% ऑफ लगा हुआ है। ज्वेलरी में बहुत अच्छा सेल लगा हुआ है। और ये ऊद वगैरह तो खैर इनकी स्पेशलिटीज़ नहीं है, बट वो सामने पड़ा था, दे वर सेलिंग दैट एज वेल, मुझे अच्छा लगा। आई मिस अब दुबई के ऊद, अब जितना स्टॉक था ख़त्म हो गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इट वॉज जस्ट 500 का एंड वॉज रियली गुड, एंड कल मैं यूज़ करूँगी तो आपको दिखाऊँगी वो भी। तो बट आई लव जो लाडो चप्पल लाई है ना मनीष, रियली ब्यूटिफुल। मनीष जी के कपड़े लिए, कबीर के एक शर्ट लिया, उसके आई टेल यू व्हेन ही विल गो, है ना, उसके ऑफिस में पार्टी है एंड द थीम इज बॉलीवुड, एंड वो जो बन के जा रहा है मैं आपको तभी दिखाऊंगी जब वो बन के जाएगा। तो मैं उसके लिए वो एक शर्ट लेकर आई, ऐसी फंकी सी। तो जी आज की दिनचर्या मैंने आपको अच्छे से बता दिया। तो आज लाडो भी मेरे लिए, देखो ये सेटाफिल का टोनर लेकर आई है, और ये एक सरम, नाइट सरम लेकर आई है। इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं आई डोंट नो, क्लिनिक क्यू समथिंग ऐसे कुछ करते हैं, आप बताइएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूँ। तो मम्मा के लिए लेके आई है, थैंक यू लाडो, आई लव यू लाडो। एंड 3-4 उस, वो मेरे लिए कलरफुल आई लाइनर लेकर आई है, क्योंकि उसको पता है मम्मा कलरफुल आई लाइनर लगाती है, मेरे पे सूट भी करता है, तो वो भी लेके आई था, थैंक यू लाडो, लव यू लाडो। फिर हमने ठूस के खाया गोलगप्पे जैसी मेरी शक्ल हो रही है, और एक पिंपल गया तो दूसरा पिंपल आ गया। आई डोंट नो क्यों है ये, आई डोंट नो। पानी तो मैं बहुत पी रही हूँ, पर मुझे पता है 2-3 दिन से मैं थोड़ा जंक खा रही हूँ जो मुझे नहीं खाना चाहिए, ऑल दो मुझे डाइट करना चाहिए कि, बट आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो। तो बस आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करूँगी, कबीर से नहीं मिलाऊंगी, ऑल दो 9 o'clock हो गया, वो आने वाला होगा, बट आज का व्लॉग बहुत लंबा होने वाला है। कबीर से आप कल मिलिएगा, कल मंडे है, उसकी छुट्टी है, तो कल सारा दिन मैं कबीर के साथ रहने वाली हूँ, तो आपको कल कबीर से मिलवाऊंगी। आज का व्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। अगर राज की दुनिया पसंद आ रही है और कलरफुल व्लॉग्स देखने हैं, तो जल्दी जल्दी राज की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए अच्छे अच्छे पॉजिटिव, एंड थैंक यू जिन जिन्होंने मम्मी के बर्थडे के लिए मम्मा को विश किया, कॉमेंट किया, उनको लव यू, एंड हिट द बेल आइकन सो विल बी नोटिफाई वेन एवर आई अपलोड द न्यू व्लॉग। ओम साई राम, जय गुरु जी, लव यू ऑल, बाय बाय।